ना देखें, आपके नाम से चीजें ऐसी तो चलती आती हैं, अल्टीमेटली फिर चीज क्या होती है कि आपके नाम को कोर्ट होता है, आपको अप्रोच किया जाता है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन में ये जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट पे भाई जन, मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, लेकिन बात ये है कि मुझे 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 प्रिएंटिव मेजर के तौर पे जब ये ऑपरेशन करना था ना इन्होंने, रेजिम चेंज का फौज ने, तो उससे पहले ना प्रिएंटिव मेजर के तौर पे मुझे चार मरतबा धमकी दी गई है पाक फौज की जानिब से। मैं इसको देखता हूँ, लेकिन मुझे ये वाली बात अब नहीं बता रहे। भाई जन, मैंने लिखवाई हुई है, आईएसआई को भी लिखवाई हुई है, और सेक्टर कमांडर के पास भी है, और इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन DGISPR के पास भी है और DGM के पास भी है, इन सबको दी हुई है। मैं इसको चेक करता हूँ अपने तौर पे, जो भी रास्ते सेटअप होते हैं देखते हैं। लेकिन सर, हम आपसे डरते नहीं है, आपसे प्यार करते हैं, डरते नहीं है आपसे। तो गांधी, मैं आप लोग क्या जान लेने के ज्यादा डरते नहीं है आपसे, मैं मुझे सच बता रहा हूँ। मैं क्या कर लेंगे आप लोग, जान से मार देते फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज को मुझे डरते नहीं है सर, डरते नहीं है। तो हमें उसने मुझे ना डराया और फिर ना बदतमीजी की और यूनिफॉर्म आदमी ने मुझे बड़ी मुझे सारी जिंदगी ना मुझे सारी जिंदगी में पुलिस वाला ऐसे नहीं कर सका, कुछ हासिल नहीं कर सका अरे बात सुनो, बात सुनो, देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग और चीज है। मैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हूँ बहुत पुराना, अब मैं चीजों को, मैंने भी ये चीज कोर्ट की, मैंने आपको कॉल किया ना कि भाई ये चीज आपके नाम से चल रही है, अब इस पे कम से कम आप मेरी रिक्वेस्ट पे, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, एवरी पाकिस्तानी रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी लाइक यू एज वेल, जहाँ हम चीज देखेंगे। देखिए, मैं सोशल मीडिया का एक बहुत पुराने, मतलब आपको बता दिया कि मेरा बहुत पुराना सोशल मीडिया से लिंक है। सर, ये बंदा आप पकड़ रहे हैं जो मेरे नाम से चलाता है, इसने थोड़ा अरसा पहले पता क्या चलाया था, इसने थोड़ा अरसा पहले चलाया था कि, और तब भी मैंने ISI को कहा था इसको पकड़ो, इन्होंने कहा था कि जनरल फैज अभी इसी जगह पे आसिफ गफूर को ISI का DG लगाने का फैसला हो चुका है। अच्छा, मैंने उस पर डिनाई दे दिया था ISI के कहने के ऊपर, लेकिन मैंने इनको उस वक्त भी कहा था, ये तकरीबन सवा साल पुरानी बात है, मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि यार मुनवर सिंह वो ये इसके बंदे पकड़ो, अल्लाह का वास्ता मेरी जान छुड़ाओ, मैं कब तक तुम लोगों की ये वो देता रहूंगा तरदीदें, और कई दफा दी है, उस दिन